हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी में भले ही कानून के रखवालों पर आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते हों, मगर यूपी के जनपद बुलंदशहर में पुलिस की ओर से ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल पेश की गई जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। दरअसल बुलंदशहर के देहात कोतवाली के चोला चौकी प्रभारी आनंद वीर ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए न सिर्फ बिना कोई तहरीर मिले एक वृद्ध का खोया हुआ 3 लाख रुपए को बरामद करके वापस लौटाया, बल्कि पुलिस पैसा वापस करने के लिए 7 दिन तक वृद्ध की तलाश करती रही। दरअसल चौकी प्रभारी को सूचना मिली कि इलाके में स्थित ईंट के भट्टे पर मजदूरी करने वाले मजदूरों को नोटों से भरा बैग मिला है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मजदूरों को चौकी बुलवाया और पूछताछ में मजदूरों ने पुलिस को बताया कि उन्हें पैसों से भरा बैग सड़क किनारे पड़ा मिला था। बैग को अपने कब्जे में लेने पर पुलिस को बैग में परिचय पत्र रखा मिला। परिचय पत्र में दिए गए पते पर पहुंचने पर पता चला कि पीड़ित वृद्ध अपने परिवार के साथ उत्तराखंड गया हुआ है। एक मोटरसाइकिल पर हमारे जो है बेटा जो BSF में सर्विस करता है और उसके बाद में हमारी मिसेज बुलंदशहर राज ज्वेलर्स है, उसके यहाँ सोना खरीदने के लिए आ रही थी। उसके बाद में जो है वहाँ से चले ककोड़ से हम, तो आने के बाद में ऐसा हुआ कि बैग बीवी की पास था और हम दोनों जो अलग थे मोटरसाइकिल पे, तो जैसे गंगेरुआ पुल आया उसके बाद में बुलंदशहर की तरफ करीब 200 मीटर और निकलने के बाद में जो है एक सौ मोटरसाइकिल लड़के ने रोक दी। हम 200 मीटर करीब आगे चल रहे थे तो हमने मुड़ के देखा, मैंने कि ये बेटे दोनों कैसे खड़े रह गए। उसके बाद में फिर ये वापस होने लगे ककोड़ की तरफ, तब हमने जो है मैंने कि ये क्या बात हुई, मैंने भाई साहब देखो क्या बात है, तो हमने फिर फोन से संपर्क किया। चूंकि 200 मीटर जो 300-400 मीटर का फासला हो गया, तो इनने कहा कि थैला रह गया, थैला गिर गया कहीं। तो उसके बाद में मैंने कि रुको, तो फिर हमने बातचीत की। उसके बाद में जो है पूछा तो मैंने घबराओ मत, चूंकि बीवी रोने लगी और एक संग मैंने कि कहीं हार्ट फेल हो जाए, तो इस वजह से फिर जो है मैंने कि चलो वापस, कोई परेशानी नहीं, चलो। तो उसके बाद में हम वापस चले गए ककोड़, हमने किसी को सूचना नहीं दी। उसके बाद में जो है हम जाके अपना जो है सुल्तानपुर गांव पे तो रुके थे, थोड़ा सा हमने जानकारी की कि यहीं गिर गया हो, चूंकि एक जगह रुके थे पहले वापसी में। हालांकि पुलिस के 7 दिन के प्रयासों के बाद पुलिस ने वृद्ध का पता लगाया, जबकि वृद्ध का खोया हुआ 3 लाख रुपए भी उसे वापस लौटा दिया। वहीं चौकी इंचार्ज के सराहनीय कार्य से सराहना करते हुए SSP संतोष कुमार सिंह ने चौकी प्रभारी आनंद वीर सिंह को 10,000 रुपए नकद इनाम भी दिया। ये 27 जनवरी को चोला चौकी प्रभारी जनपद बुलंदशहर के चोला चौकी प्रभारी को कहीं से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ मजदूर हैं जो बेहिसाब रूप से पैसे खर्च कर रहे हैं। इस सूचना पर उन्होंने एक दो को उठाया तो उनसे पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि 23 तारीख को इन्हें एक बैग मिला था जिसमें 3 लाख रुपए थे और 4 लोग थे जिन्हें पैसे मिले थे और चारों में बंटवारा हो गया। कुछ और लोग जो इनके जानने वाले थे भट्टे पे, जब उनको पता चला तो उनको भी हिस्से दिए गए ताकि ये बात आगे न खुले। फिर इसमें आपस में कुछ विवाद भी हुआ और उसकी वजह से जानकारी आई कि संदिग्ध परिस्थितियों में काफ़ी धन कुछ लोगों को मिला है। इस सूचना के प्राप्त होने के बाद चौकी प्रभारी चोला आनंद वीर सिंह ने SPCP साहब को बताया, उन्होंने हमसे बात शेयर की। इसके बाद हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया कि आखिर यह धन कहां से प्राप्त हुआ है। काफ़ी जानकारी के बावजूद ज्ञात नहीं हो सका, क्योंकि कोई लूट चोरी की इस तरह की घटना नहीं हुई थी जनपद में जहां 3 लाख रुपए जाने की बात आई। काफ़ी प्रयास के बाद एक अभिसूचना यह मिली कि दूसरा थाना क्षेत्र जो ककोड़ है वहाँ के एक व्यक्ति हैं जो अपने बेटे की शादी के लिए गहने खरीदने अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ते में 23 तारीख को उनका एक बैग गिर गया था, लेकिन उन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं की थी। और बाद में फिर वो बेटे की शादी करने के लिए किच्छा चले गए उत्तरांचल। उनसे संपर्क करने का प्रयास जब किया गया तो जानकारी हुई कि वास्तव में उनका पैसा खोया था, लेकिन वो लोग लाजवश या किसी कारणवश उन्होंने ये बात कहीं बताई नहीं। उनके वापस आने के बाद वो धनराशि जो 3 लाख रुपए पूरा पुलिस ने कलेक्ट किया था आनंद वीर सिंह के नेतृत्व में, वो आज यहाँ आप लोगों के सामने इन्हें सुपुर्द किया जा रहा है। चौकी इंचार्ज का ये जो कृत्य है निश्चित तौर पर आम जनता में पुलिस की छवि को बढ़ाने वाला है, एक विश्वास पैदा करने वाला है
एक अद्भुत इंटीग्रिटी का परिचय इनके द्वारा दिया गया है। इसके लिए इन्हें 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार से भी हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 News। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।